नगर पालिका द्वारा नीलेश्वर चोटी पर स्थापित किया गया पार्क बदहाल हो गया है। पार्क पहुंचने वाले लोग वहां पर गंदगी फैला रहे हैं। इधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि पार्क में फैली गंदगी को साफ किया जा रहा है। पेश है सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। नीलेश्वर चोटी पर नगर पालिका का पार्क बदहाल हो गया है। पार्क पहुंचने वाले लोग वहां न केवल गंदगी फैला रहे हैं बल्कि कुछ अराजक तत्व पार्क की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने नगर पालिका से पार्क की स्थिति में सुधार करने की मांग की है। देखिए, नीलेश्वर मंदिर का जो पार्क हमारा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है और धार्मिक रूप से भी उसकी बड़ी मान्यता है, क्योंकि वहाँ शिव जी की बहुत पुरानी मंदिर भी है और वो पार्क हमने बनाया, उसमें पौधे भी लगाया, झूले भी लगे हैं बच्चों के। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो वहाँ के आसपास के लोग को टूरिस्ट जो आते हैं वो कुछ खाने उने की अपनी चीज़ें लेके आते हैं और छोड़ जाते हैं, कभी कभी गंदगी कर जाते हैं, तो कभी कभी समस्या होती है। लेकिन आज ही अभी हमने हमारा आदमी भेज करके हमने सब उसको साफ सुथरा और जो झाड़ी वगैरह हल्की फुल्की हो गई तो सब ठीक ठाक करा दिया। और चूँकि टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है इसलिए हम लोग उस पर ध्यान भी रखते हैं। कभी कभी कई व्यस्तता के कारण कभी अचानक हुआ कि एक दिन सफाई नहीं हो पाई या किसी कारण से दो दिन नहीं, तब दिक्कत आ जाती है। और एक अपील भी करता हूँ, जो लोग भी वहाँ जा कर के वहाँ पार्क में बैठते हैं, उसका आनंद लेते हैं, पर्यटक हों या लोकल निवासी हों, ये सभी सामान्य जनता से निवेदन करता हूँ कि वहाँ गंदगी ना करें और उसको साफ़ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि उनके बच्चों के उपयोग के। दूसरा एक अपील करता हूँ कि कोविड का चल रहा है माहौल इस समय, तो आप लोग सभी सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जो भी हमारे शासन प्रशासन निर्देश दे रहा है उसका पूरा अनुपालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें।